माइनक्राफ्ट की एक ऐसी सीट जिसके अंदर एक लंबा विलेज हाउस है, या माइनक्राफ्ट की एक ऐसी सीट जिसके अंदर इनफाइनाइट माइनशाफ्ट है, या माइनक्राफ्ट की एक ऐसी सीट जिसमें केव के अंदर एक विलेज है। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के ऐसे मोस्ट इलीगल सीट जिसको देखकर आप लिटरली शॉक हो जाओगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलो अपनी फर्स्ट सीट ट्राई करते हैं और इस वर्ल्ड का नाम मैं रखने वाला हूँ लंबा विलेज हाउस। Yes guys, लंबा विलेज हाउस। और हमें सीड ये वाली डाल देनी है और इस सीड को आप भी ट्राई कर सकते हो। अब चलो वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं वर्ल्ड के अंदर आ गया हूँ और अभी आपको सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होगा। किधर है लंबा हाउस, किधर है विलेज का लंबा हाउस? पर गाइस, हमें इस वाली कोऑर्डिनेट पे टेलीपोर्ट हो जाना है। तो चलो गाइस फटाफट इस कोऑर्डिनेट पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ओके, तो मैं इस कोऑर्डिनेट पे टेलीपोर्ट हो गया हूँ। ओके, सामने मेरे विलेज है और वेट, अब वो क्या है? एक सेकेंड, अबे ये कैसा घर है? What? No way! ये कैसा ऊपर एक है? अरे भाई देखो कितनी ऊंचाई पे भाई, ये क्या अजीब सा यार। एक सेकेंड, ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है भाई? कहाँ से जाते होंगे विलेज सोने ऊपर? भाई ये तो अजीब है। देखो, एक तो मेरे को ये चीज अजीब लग रही है कि ये एक प्लेन बायोम है और इसके अंदर डेजर्ट बायोम का विलेज बसा हुआ है। भाई ये क्या है, ये ग्लिच? लिटरली भाई वो काफी ज्यादा अजीब लग रहा है यार देखने में। मुझे लगता है कि ये ग्लिच के कारण ऐसा कुछ हो गया है इस सीट के अंदर। सुबह हो गई भाई, चलो नीचे चलते हैं। अबे ये कहाँ पे हूँ मैं? अरे भाई साहब सीढ़ी लगा दो यार, नीचे आना है मेरे को। तो चलो आप फटाफट अगली सीट ट्राई करते हैं जिसके वर्ल्ड का नाम हम रखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा अजीब न्यू वर्ल्ड। क्या लगा गाइस, मैं इसका नाम कुछ ज्यादा अजीब रखने वाला हूँ? नहीं, जिसका पुराना नाम था वही रख दिया मैंने। चलो चलो, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। एंड सीड हमें ये वाली डाल देनी है, इसको आप भी ट्राई कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर। एंड नाउ चलो वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। ओके गाइस, तो वर्ल्ड के अंदर आ गया हूँ और वर्ल्ड बिल्कुल पीसफुल है, बिल्कुल पीसफुल। ये देखो सूरज उगता हुआ। लेकिन जैसे ही आप इस वाली कोऑर्डिनेट पे टेलीपोर्ट होते हो तो आपको मिलेगा एक क्रेजी ग्लिच। चलो हम चलते हैं। ओके, तो मैं आ गया एंड पोर्टल। एंड ये देखो गाइस, लिटरली इसके होने के चांस 1 in trillion होते हैं। और यहाँ पर आप एक बार देखो, यहाँ पर हाफ आई ऑफ एंडर लगा रखे हैं और वहीं पे हमारा ये जो एंड पोर्टल है वो एक्टिवेट हो गए हैं। अरे मैं समझाता हूँ ये हुआ कैसे है। तो बेसिकली गाइस ऐसा कुछ होता नहीं गाइस, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में कैसे हुआ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रेयर ग्लिच है। पर इस सीट के अंदर बस यही है। अरे नहीं गाइस, अब हमें इस वाली कोऑर्डिनेट पे टेलीपोर्ट हो जाना है। ओके, तो गाइस एक बार ये देखो आप, वुडलैंड मेंशन के अंदर एक रूइन पोर्टल है। और रूइन पोर्टल ये कोई आम रूइन पोर्टल नहीं है, पहले एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। चलो पहले इस साइड चलते हैं। ये देखो अपने आप ही TNT इग्नाइट हो गया भाई यहाँ पे। और ये जो पोर्टल है यहाँ पर आग लग के अपने आप ही भाई इग्नाइट हो जाता है। तो इस सीट के अंदर आपको दो पोर्टल मिलेंगे, रून पोर्टल और एंड पोर्टल, और दोनों पहले से एक्टिवेट होंगे। ओ यहाँ पे एक चेस्ट है, चेस्ट के अंदर वैसे है क्या? ओ एंडर पर्ल है इसके अंदर। अबे क्या कर दिया। ओके गाइस, तो चलो अब अगली सीट ट्राई करते हैं जिसका नाम मैं देने वाला हूँ केव हाउस। अब मैं ऐसा नाम क्यों दे रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। और हमें सीड में ये वाली सीड डाल देनी है, इसको आप भी ट्राई कर सकते हो। एंड नाउ वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। ओके गाइस, तो मैं वर्ल्ड के अंदर आ गया और वर्ल्ड हमारा नॉर्मल है। वैसे तो सारे वर्ल्ड नॉर्मल होते हैं, पर गाइस हमें फटाफट इस वाले कोऑर्डिनेट पे टेलीपोर्ट हो जाना है जो कि ये है। इसको आप भी ट्राई कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। भाई ये मैंने कितनी बार बोल दिया यार, ट्राई करो ना, जल्दी से ट्राई करो। ओके गाइस, तो इस कोऑर्डिनेट में हमें एक केव देखने को मिलता है जो कि कितना ज्यादा बड़ा है। और इस केव के अंदर हमें एक विलेज देखने को मिल रहा है जो कि भाई पॉइंटेड ड्रिपस्टोन से घिरा पड़ा है। मैं इस कांटों की बात कर रहा हूँ क्योंकि इन विलेजरों के हर रस्तों में कांटे कांटे हैं। भाई तू कितनी ज्यादा दुख दर्द में रहता है यार, मैं समझ सकता हूँ तेरे आसपास कांटे कांटे हैं, पर मुझे तेरे कांटों से क्या ही लेना देना। और इस विलेज के सामने आपको एक माइन शाफ्ट देखने को मिलेगी। और ये माइन शाफ्ट कैसी है भाई, यहाँ पर ये देखो चैन है भाई, पूरा ऊपर तक टिका हुआ है। यहाँ पर भाई इसको सपोर्ट दे रखा है इन चैनों ने। और यहाँ पर एक आपको स्पॉन हंट मिल जाएगा जो कि ओपन ही है। वैसे तो स्पॉन हंट ही कहते हैं ना। बात मेरे को इस विलेज को देख के काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई ये केव विलेज है। केव के अंदर विलेज कुछ मैच नहीं हुआ। विलेज के अंदर केव, छोड़ो यार मैं इतना दिमाग क्यों ही लगा रहा हूँ। और नीचे जाने पर हमें एक ऐसा विलेज मिला है जो कि भाई
काफी ज्यादा नीचे है, देख रहे हो कितना ज्यादा नीचे है। यहाँ के लोग कैसे ऊपर जाते होंगे भाई, कैसा लग रहा है तो मैं नीचे इस केव के अंदर रहता हुआ। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, मजा आ रहा है, चल वे चल चल। जो हमारी अगली सीड है वो काफी ज्यादा इलीगल सीड है, तो उसका नाम ही मैं इलीगल सीड रखने वाला हूँ। और सीड हमें ये वाली डाल देनी है, इसको आप भी ट्राई कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर। एंड नाउ वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। ओके गाइस, तो हम वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं और अभी वर्ल्ड बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। बट जैसे मैं स्पेक्टेटर में जाकर और नीचे जाता हूँ तो आपको एक बार ये वाला ग्लिच देखो, लिटरली भाई ये इनफाइनाइट है ग्लिच। आप देखो गाइस एक बार ये वाला ग्लिच देखो, और ये ग्लिच हर चीज के साथ हो रखा है। जैसे कि आप ये वाला केव देखो, ये आपको केव आगे भी सेम ऐसे ही मिलने वाला है। सब कुछ नीचे का ग्लिच हो रखा है और रिपीटेड है। आई मीन अगर आपको एक ऐसी केव मिली है तो ये देखो आपको इनफाइनाइट मिलेगी और ये खत्म नहीं होने वाली। लिटरली ये सीड काफी ज्यादा क्रेजी है। जस्ट इमेजिन आपको एक माइन शाफ्ट मिली तो आपको ये वाला ग्लिच देखने को मिलेगा, क्या लगेगा भाई आपको। इतने सारे माइन शाफ्ट के अंदर आपको चेस्ट मिलेंगी और भाई ये माइन शाफ्ट बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली। लिटरली एक बार इसको आप ढंग से देखो भाई, क्या है ये सीड लिटरली काफी ज्यादा ब्रोकन और काफी ज्यादा इलीगल है। भाई अगली सीड ट्राई करने के लिए हमें माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन में आना पड़ा। हाँ भाई ये मेरे नाम को इग्नोर मानना, ये पता नहीं कैसा नाम दिख रहा है मेरे ऊपर। ओके तो फटाफट एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं वर्ल्ड ही रखने वाला हूँ। गेम मोड को क्रिएटिव रख देते हैं क्योंकि हमें एकदम से भाई क्रिएटिव में आना पड़ेगा। और हमें सीड ये डालनी है, इसको आप भी ट्राई कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। एंड नाउ चलो वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। ओके तो मैं आ गया वर्ल्ड के अंदर। ऑलराइट, जैसे कि मैंने सोचा था, एक बार आप इस आइलैंड को देखो, इस आइलैंड को एक बार गौर से देखो, इसमें कितने सारे स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप देख सकते हो प्लेजर आउट पोस्ट है जिसके अंदर एक शिप रैक पता नहीं कैसे ग्लिच कर गया है, और इसके अंदर आपको एक विलेज मिलेगा, और सामने हमें एक रून पोर्टल भी दिख रहा है, और बगल में हमें एक डेजर्ट टेम्पल भी दिख रहा है। भाई आइलैंड काफी ज्यादा ओपी है। और एक सेकंड, यहाँ पर कैमल भी है भाई। तो भाई सीड के अंदर मजे मजे हैं। और यहाँ पर प्लेजर और विलेजरों में हमेशा लड़ाई रहती है, जिसमें हमेशा अबे भाई 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 तू तीसरा बंदा आ गया लड़ने। है यार शिट। बट मेरे को ये प्लेजर आउटपोस्ट देख के काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक शिप रैक है जो इसके साथ जुड़ा पड़ा है। ऐसी कौन सी भाई सुनामी आई थी कि भाई हमारी बोट यहाँ के टक्कर मार गई इनके प्लेजर आउटपोस्ट से। तो इस सीट के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताना। तो हमें अगली सीट ट्राई करने के लिए दुबई से आना पड़ा बेडरॉक एडिशन में, और इस सीट का मैं नाम देने वाला हूँ यस, जो की है बेडरॉक ओल्ड सीड। यस, बेडरॉक तोड़ सीड। यस, जैसा कि इसका नाम है, इसमें आपको बेडरॉक टूटा हुआ मिलेगा। एंड नाउ हमें सीड ये डाल देनी है। एंड नाउ वर्ल्ड को कर देते हैं क्रिएट। ओके, मैं वर्ल्ड के अंदर आ गया। पहली बात, वर्ल्ड देखने में तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे वर्ल्ड ऐसे होते हैं। पर हमें कुछ नहीं करना, हमें इस वाले कोऑर्डिनेट पे टीपी हो जाना है। ओके तो मैं आ गया इस वाली कोऑर्डिनेट पे। पहले तो आपको ये देखो भाई, एक सर्कल, लिटरली हर जगह से सर्कल बना पड़ा है, इसके अंदर है और इसके अंदर बर्फ जमी पड़ी है ये देखो। पर हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें जाना है वाटर के अंदर। और अगर हम नीचे जाते रहेंगे तो हमें मिलेगा एक इग्लू देखने को मिलेगा। और भाई इसके अंदर चलते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक बढ़िया सी क्रेजी चीज। मैं चल भाई अंदर। ओके तो मैं इग्लू के अंदर आ गया। ओके तो पानी हमने रोक दिया, एक काम करते इसको यहाँ लगा देते हैं और चलते हैं भाई नीचे, इग्लू के नीचे वाले सीक्रेट रूम में। ओके तो हम आ गए। पहले अभी आपको सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होगा सही ना, बट जैसे हम इसके नीचे का ब्लॉक तोड़ते हैं तो ये देखो भाई, एक बार इसको देखो, ये बेडरॉक को तोड़ दिया है भाई इस इग्लू के सीक्रेट रूम ने। इट मींस अगर आप यहाँ से एक भी ब्लॉक तोड़ते हो तो आप सीधा जाके वॉइड में गिर के मरने वाले हो। भाई साहब ये क्रेजी चीज है, ये काफी ज्यादा इलीगल सा लगता है। क्या बे चल बे, ज्यादा कर रहा है, जा नीचे जाके वॉइड में मर। नाइस। तो इस सीट के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अबे भाई मैं अभी जाके बेडरॉक में गिर गया। जस्ट किडिंग, मैं तो क्रिएटिव में हूँ। जो हमारी ये सीड है ये तो काफी ज्यादा ओपी है, तो इस सीड का नाम ही मैं देने वाला हूँ ओपी सीड। यस, एंड जल्दी से हम डाल देते हैं सीड को। तो चलो मैंने सीड डाल दी है, एंड नाउ चलो फटाफट वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। ओके तो वर्ल्ड में मैं आ गया हूँ, तो सिंपली हमें इस वाली कोऑर्डिनेट पे टेलीपोर्ट हो जाना है, तो फटाफट टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ओके तो हम टेलीपोर्ट हो गए, और जैसे ही गाइस मैं इस वाले ब्लॉक को तोड़ने वाला हूं तो यहाँ के सारे सैंड गिरने वाले हैं। तो चलो वेट।
तो यहीं कहीं ग्लिच होने वाला था सैंड वाला। एक सेकेंड गाइस, काम कर गया, ये देखो सैंड गिरने लग गई। अब ये ग्लिच रुकने वाला नहीं है भाई, पूरा भाई आगे तक गिरते हुए जाएगा। ये देखो भाई, लिटरली ये भाई यहाँ की सैंड अब हर जगह से गिरते हुए आगे तक बढ़ रही है। और ये देखो पीछे पीछे एक ग्लिच, देखो पीछे पूरा एक सीक्वेंस में ग्लिच बनते हुए जा रहा है ये देखो, और आगे सैंड गिरते हुए जा रही है। ये बहुत अच्छा रहेगा ट्रैप बनाने के लिए। आई मीन आपने एक सैंड का ब्लॉक तोड़ा और ऐसे सैंड गिरते हुए जाएगी। भाई साहब ये कितनी ज्यादा ओपी सीड है भाई, भाई साहब क्या ओपी सीड है। लिटरली इस सीड के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताना, और इस सीड को ट्राई तो जरूर करना।